एकदम ज़्यादा फ्लफी, एकदम ज़्यादा बाउंसी एंड एकदम ज़्यादा स्पॉन्जी बने हैं ये गेहूं के आटे से बने हुए लादी पाव। आप देख सकते हैं कितना भी आप इसको प्रेस कर लीजिए ये वापस अपने शेप में आ जाते हैं। और ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट, जालीदार, एकदम स्पॉन्जी टेक्सचर है। हर तरफ से आप इसको प्रेस करके देखेंगे तो ये एकदम स्पॉन्जी है। और ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर एकदम रुई की तरह सॉफ्ट, एकदम कॉटनी सॉफ्ट, फीथर्स के जैसा टेक्सचर है इसका, और वो भी गेहूं के आटे से बना हुआ है ये ब्रेड। तो सोचिए कितना ज़्यादा हेल्दी है और कितना ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफी एंड बाउंसी बना है। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये देखिए कितना भी प्रेस कर लीजिए आप ये वापस अपना शेप होल्ड कर रहे हैं। और इसका टेक्सचर ही आप देख के समझ सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर, वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेहूँ के आटे से बना हुआ लादी पाव की रेसिपी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक बाउल में लेना है 1 कप हल्का गर्म दूध। दूध बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून शुगर। शुगर यीस्ट को फर्मेंट होने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए शुगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुगर को मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून ड्राई यीस्ट ऐड करना है। अच्छे रिजल्ट के लिए यीस्ट भी अच्छे ब्रांड की ही यूज़ करें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसको कवर करके कम से कम 10 से 15 मिनट इसको रखना पड़ेगा गर्म जगह पे। अगर ठंड का सीज़न होगा तो 15 मिनट लग सकते हैं, और अगर गर्मियाँ हैं तो 10 से 12 मिनट में ही ये फ्रॉदी हो जाएगी। तो जब तक यीस्ट फर्मेंट हो रही है तब तक आटा छान लेते हैं। तो एक बड़े से बाउल में ही छानिएगा। तो यहाँ पे 4 कप गेहूँ का आटा, जिससे हम रोटी चपाती बनाते हैं वही आटा यूज़ करना है। तो यहाँ पे टोटल 4 कप आटा यूज़ करना है। तो इस तरह से आप उसको छान के ही यूज़ करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको छानेंगे नहीं तो ब्रेड अच्छे नहीं बन पाएंगे, इसलिए हमेशा आप इसको छान के ही यूज़ करें। तो ये 4th कप है, ये भी मैंने ऐड कर दिया है और इसे भी मैं छान लूँगी। अब ब्रेड एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बने इसके लिए ज़रूरी है ग्लूटन, लेकिन गेहूं के आटे में तो ग्लूटन होता नहीं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सिर्फ 3/4 कप जितना मैदा यूज़ करेंगे। 4 कप गेहूं के आटे के सामने सिर्फ 3/4 कप मैदा यूज़ करना है। लेकिन अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो 3/4 कप गेहूं का आटा आप ले सकते हैं, लेकिन फिर ब्रेड जो है वो थोड़े से डेंस बनेंगे, ऐसा टेक्सचर नहीं आएगा। साथ ही में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देना है और छान लेना है। अब यहाँ पे 12 मिनट्स हो चुके हैं और यीस्ट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मियाँ हैं तो आप देख सकते हैं यीस्ट अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है, एकदम झाग आ गया है, फ्रॉदी हो चुकी है, अच्छे से एक्टिव हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये देखिए कितने अच्छे से फर्मेंट हुई है। अगर ठंड का सीज़न होगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी यीस्ट इस तरह से फर्मेंट हो तो ही आप आगे का स्टेप करें, वरना आप ये ब्रेड ना बनाएं। और ये पूरा मिक्सचर आटे में ऐड कर देना है जो हमने छान के रखा था, और इसमें 2 टेबल स्पून जितना पानी ऐड करके ये पानी भी आटे में ऐड कर देना है। तो ये देखिए, और अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेना है। तो ये देखिए सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसका आटा लगाने के लिए हल्के गर्म पानी का यूज़ करना है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा यूज़ नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, वरना ये आटा बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। वैसे हमें इसका बहुत ज़्यादा स्टिकी डो बनाना है। तो ये 1 कप तो पानी यहाँ पे पूरा ख़त्म हो चुका है। इसका आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। ये 2 कप मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ही मैं ऐड कर रही हूँ। और जब आपको लगे कि ये रेडी होने ही वाला है तब तो सिर्फ 1-1 चम्मच पानी ही ऐड करें। देखिए इस तरह से 1-1 चम्मच पानी ही ऐड करना है, क्योंकि अब ये बहुत जल्दी स्टिकी हो जाएगा। वैसे इसका बहुत ही ज़्यादा गीला डो लगाना होता है, तो
दूसरे कप में से मैंने 2 टेबलस्पून पानी बचाया है और ये रेडी हो चुका है इसका डो। ये देखिए इतना ज़्यादा स्टिकी होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, लेकिन इससे ज़्यादा सॉफ्ट आप इसको मत कीजिएगा। अब एक क्लीन सरफेस पे आपको सूखा आटा डस्ट करना है, उसके ऊपर जो डो रेडी किया है उसे ट्रांसफ़र कर ले और ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा ही आटा डस्ट करें। इसमें बहुत ज़्यादा सूखा आटा डस्ट नहीं करना है क्योंकि इसका डो इतना सॉफ्ट ही होना चाहिए। अब इसे पूरे 5 मिनट के लिए अच्छे से मसलना है स्ट्रेच एंड फोल्ड करते हुए। 5 मिनट अच्छे से नीट करने के बाद इसमें ऐड करना है 4 टेबलस्पून सॉफ्ट बटर। बटर को पहले ही रूम टेम्परेचर पे रख दें तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके बटर ऐड करना है। टोटल 4 टेबलस्पून बटर इसमें ऐड करना है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा बटर लें और इसके अंदर मिलाते जाना है और आटे को अच्छे से नीड करते जाना है। जब मैदे वाले ब्रेड बनाते हैं तो उसे कम मसलना पड़ता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी ग्लूटन होता है, लेकिन गेहूं के आटे में ग्लूटन बहुत कम होता है, इसलिए इसको हमें बहुत ज़्यादा मसलना पड़ेगा, तभी इसमें थोड़ा सा ग्लूटन फॉर्म होगा और इतने अच्छे ब्रेड रेडी होंगे। तो इसे बटर ऐड करने के बाद कम से कम 8 से 10 मिनट तक स्ट्रेच एंड फोल्ड करते हुए इस तरह से मसलना है। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्यों? क्योंकि इसमें गेहूं का आटा है, साथ ही में बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो 8 से 10 मिनट मैंने इसको और मसल लिया है और अब इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। जी हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करते जाना है और इसे मसलते जाना है। ऑयल ऐड करने से ये आपके हाथों में चिपकेगा भी नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा ऑयल में ऐड करती जा रही हूँ, इसे मसलती जा रही हूँ और अब आप देख सकते हैं कि टेक्सचर में कितना चेंज आ चुका है। आटा धीरे धीरे एकदम सॉफ्ट हो रहा है, एकदम स्मूथ हो रहा है। तो ऑयल ऐड करने के बाद भी इसे अच्छे से 5-6 मिनट मसलना है, तो टोटल इसको 18-20 मिनट्स के लिए मसलना पड़ेगा। जी हाँ, ये बहुत कंपलसरी है, इससे ज़्यादा मसलेंगे ना तो ब्रेड और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो हाथों की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज इसमें हो जाती है, तो बहुत हेल्दी है ना। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, अब ये देख सकते हैं एकदम स्मूथ है, हाथों पे भी नहीं चिपक रहा है। तो इसका अच्छे से एक बॉल बना लेना है एकदम स्मूथ और पीछे की साइड इस तरह से इसको टक कर लेना है। ऊपर की सरफेस पे कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और अब जिसमें आटा लगाया था उसी बर्तन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें, उसमें जो बॉल बनाई है डो की उसको रख दें और ऊपर से ऑयल ग्रीस कर लेना है, साथ ही में पूरे बर्तन में भी ऑयल लगा देना है ताकि आटा इसमें चिपक ना जाए। और अब इसको अच्छे से कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रखना है। जब तक ये आटा फूल कर डबल हो जाए साइज़ में तब तक इसको कवर करके रखना है। गर्मी होगी तो 1 घंटे में हो जाएगा, तो क्योंकि गर्मियाँ हैं तो 1 घंटा हो चुका है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए आटा इतना ज़्यादा फूल गया है कि ये बर्तन से भी ऊपर उठ चुका है। और ठंडी होगी तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरा जो बर्तन था ये पूरा भर चुका है। आप देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा फूल गया है। इसे बहुत ज़्यादा मत फुलाइएगा, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इस तरह से पंच करके सारी जो एयर है वो निकाल देनी है। और आप देख सकते हैं आटा कितना अच्छे से फर्मेंट हुआ है, कितनी अच्छी जाली पड़ी है। और अब सिर्फ 1 मिनट के लिए एकदम हल्के हाथ से आटे को मसलना है, बहुत प्रेशर देके या बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मसलना है, वरना ब्रेड फूल नहीं पाएंगे। सिर्फ इसका स्मूथ बॉल बनाने के लिए इसको थोड़ा सा नीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से बॉल रेडी कर रही हैं, सरफेस पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके बॉल को रख दें। और अब इस बॉल में से 16 इक्वल पीसेस कट कर लेने हैं। इसको आपको नाइफ से ही कट करना पड़ेगा, तो पहले हाफ कट किया, उसके बाद इसके 4 पीसेस कर लिए और अब हर एक 1/4 हिस्से में से 4 पीसेस कट करने हैं। देखिए इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से कटिंग करने से सारे बंस की साइज़ सेम रहती है। ये बंस थोड़े से बड़े बनते हैं साइज़ में। अगर आपको छोटे बंस बनाने हैं तो आप इसमें से 18 या 20 बंस बना सकते हैं। ये बंस बहुत ही अच्छे बनते हैं, मार्केट से तो कहीं ज़्यादा बेटर बनते हैं। इनको बनाना भी आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन अगर हेल्दी है तो
मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इस तरह का कोई भी एल्यूमिनियम का राउंड, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मोल्ड लेकर उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें। हाथों पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और एक इस तरह से बॉल उठाएं। और अब जिस तरह से मैं बॉल को शेप दे रही हूँ, आप भी इसी तरह से शेप दें और सारी साइडों को पीछे की तरफ लाके उसको टक कर लेना है, ऊपर कोई क्रैक ना रहे। और अब इस तरह से फिंगर और थंब के बीच में इसको गोल गोल घुमाना है। देखिए तो ये एकदम स्मूथ बॉल रेडी हो जाएगी। इसी तरह से फिर से थोड़ा सा हाथों में सूखा आटा लेकर इस तरह से बॉल को पीछे की तरफ टक कर लेना है और बस इसको फिर फिंगर और थंब के बीच में गोल गोल घुमाना है। कोई भी क्रैक ना रहे इसका ध्यान रखिएगा। और सारी बॉल्स को आपको एकदम पास पास रखना है, दूर दूर नहीं रखना है, तो ही ये अच्छे शेप में बनेंगे, वरना फ्लैट हो जाएंगे। अब इसे हल्के गीले नैपकिन से कवर करके कम से कम 30 से 40 मिनट किसी गर्म प्लेस पे रखना है, फिर से साइज़ में फूलने के लिए, डबल होने के लिए। और दूसरे बंस के लिए मैंने इस तरह से डिस्पोजेबल एल्यूमिनियम के मोल्ड्स लिए हैं और इन्हें भी मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। पहले की तरह ही बॉल बनानी है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओवल शेप दिया है क्योंकि इस मोल्ड का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने इस तरह से शेप दिया है इनको। तो सारे बंस यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और इन्हें भी अच्छे से कवर कर लेना है और इन्हें भी 30 to 40 मिनट्स, जब तक ये साइज़ में फूल कर डबल हो जाए तब तक इन्हें किसी गर्म जगह पर रखना है। तो यहाँ पे सारे मोल्ड्स रेडी हैं, इन्हें 30 to 40 मिनट्स गर्म जगह पे रखेंगे जब तक फूल कर ये डबल हो जाएं। 40 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं फूल के डबल हो चुके हैं। अब यहाँ पे ओवन को 200 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करने के लिए रख देना है। उसके बाद 2 टेबलस्पून मिल्क में 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करके मिक्स कर लेना है और एकदम हल्के हल्के हाथों से इसको मिल्क वॉश देना है, अच्छे से मिल्क वॉश देना है ताकि ऊपर से इसका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसको बहुत हल्के हाथों से लगाए वरना अगर ये बंस फूट गए तो इसमें से सारी हवा निकल जाएगी। और अब ओवन भी प्रीहीट हो चुका है तो इनको 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 18 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। आप देख सकते हैं जब ये ओवन में बेक हो रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा फूल करके ऊपर आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे बंस रेडी हो रहे हैं। तब तक ये दूसरे जो बन हैं उनको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा ऑयल लगाना भूल गई थी इसके कवर पे, तो ये थोड़ा सा चिपक गया है तो हल्के से निकालना है और इनको भी अच्छे से मिल्क वॉश देना है। मिल्क वॉश करेंगे तो ही ऊपर से अच्छा कलर आएगा, वरना कलर अच्छा नहीं आएगा। तो मिल्क वॉश देना बहुत ज़रूरी है, वो भी एकदम हल्के हल्के हाथों से। तो इन दोनों को मैंने एक बेकिंग ट्रे पर रख दिया है और ये वाले बंस जो पहले हमने बेक करने के लिए रखे थे वो अच्छे से बेक हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। मैंने इनको 15 मिनट्स बेक किया है और ओवन से बाहर निकालते ही इनके ऊपर बटर या फिर ऑयल लगा देना है ताकि इसके ऊपर की सरफेस सॉफ्ट हो जाए। और अब इसे हल्के गीले नैपकिन से ढककर 10 से 15 मिनट थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको टिन से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर 10 मिनट्स हो चुके हैं और पहले एक नाइफ से सारे एजेस को रिमूव कर लेना है और उसके बाद सारे बंस को मोल्ड से बाहर निकाल लेना है। तो देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है, ज़रा भी नहीं चिपकता है, ऑयल लगाया था इसलिए। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, ये एकदम परफेक्ट जालीदार और हर तरफ से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बंस रेडी हुए हैं सीरियसली, और बहुत खुशी मिलती है। और अब इसे फिर से हल्के गीले नैपकिन से कवर करके एकदम ठंडा कर लेना है और ये दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है। इनको भी जब गर्म हो तभी ऑयल या फिर बटर लगा लें और फिर इनको भी हल्के गीले नैपकिन से कवर करके थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ठंडा कर लें। 10 मिनट के बाद सारे बंस को थोड़ा नाइफ से पहले छुड़ा लेना है एजेस को, उसके बाद इनको मोल्ड से बाहर निकाल लेना है। आप इनको बहुत ज़्यादा देर तक मोल्ड में रखेंगे तो इसमें बहुत सारा पानी आ जाएगा, जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर वेपर होता है वो पानी हो जाएगा और फिर पूरा ब्रेड गीला हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे ब्रेड बने हैं इसमें भी, ये देखिए हर तरफ से बहुत अच्छे से बने हैं, बहुत अच्छा टेक्स्चर एंड कलर आ गया है। इन्हें भी
अब हल्के गीले नैपकिन से ढककर एकदम ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे सारे बर्न्स रेडी हो चुके हैं। ओ एम जी, कितने अच्छे बर्न्स रेडी हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसके लिए आपको इनको बनाना ही पड़ेगा, तो ज़रूर से रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं वीडियो में कितने अच्छे बर्न्स बने हैं। इनके अंदर का ज़रा टेक्सचर देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा बाउंसी, कितना ज़्यादा सॉफ्ट, वो भी गेहूं के आटे से बना, इतना ज़्यादा हेल्दी है। और जब ऐसे रेसिपी आप घर पे बनाते हो और ऐसा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है ना, तो बहुत बहुत खुशी मिलती है। देखिए इसका टेक्सचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर, OMG, बहुत ही अच्छे बर्न्स रेडी हुए हैं। कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।